जी खालिद तमीमी साहब, इस्तकबाल आपका। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो भाई साहिल भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगे जनाब, अपने इलियास शराफुद्दीन साहब तो भगोड़े निकले, आए नहीं। सर ये मोमिन है कि नहीं है पहले तो ये पूछना। अरे मोमिन हूँ भाई। ओके चले, मुसलमान हूँ। तो क्या कहेंगे, इलियास शराफुद्दीन साहब तो आए नहीं वादा करके। देखो इलियास शराफुद्दीन साहब का मसला ऐसा है कि उन्हें थोड़ा जज्बात में आ जाते हैं, आके कुछ बातें ऐसा कर देते जो शरीयत के खिलाफ है। कुछ चीजें ऐसी रहती जिसमें उनकी खुद की बातें भी इन्वॉल्व रहती, मगर मसला यह है कि इस्लाम जैसा शरीयत जैसा बता रही वैसे तरीके से अगर बात करेंगे तो गैर मुसलमानों को भी उससे फायदा होगा, मुस्लिम्स को भी फायदा होगा, और जो लोग इस्लाम को लेके मिसकंसेप्शन है उन लोगों का भी फायदा होगा। अच्छा तो लेकिन अब लेकिन ऐसे गालीबाज और इतनी गंदी जबान इस्लाम को लेकर, आम आम जिंदगी में है तो समझ में आता है, ठीक है चलो, मतलब आप इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हो और तब भी आप इस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हो और लोग उनको अपना मसीहा और एक आइडल मान रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं, 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 ये, क्या बोला जाएगा? ये तो ठीक नहीं है ना भाई, कैसा ठीक रहेगा बोलो। इस्लाम का इस्लाम के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको देख के आइडियल समझना चाहिए। अगर कोई उनको आइडियल समझ रहे तो वो उनकी गलती, आइडियल सिर्फ एक ही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनके अलावा अगर किसी को आइडियल समझते तो वो कि अपने आदमियों की गलती है ना। अच्छा अच्छा, आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे खालिद तमीमी साहब? आज का टॉपिक आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है सिर्फ, वो आइडियल जात है ना सर। जात में सबसे पहले यही चीज है कि इस्लाम जो फैला दुनिया में वो 80% अखलाक से फैला बोलिए। अच्छा, अगर अखलाक को कोई अगर मद्देनजर नहीं रखते हुए अगर कोई कुछ कर रहा तो यानी वो इस्लाम के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जहाँ कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है वहाँ हमेशा उसके साथ अखलाक का जिक्र है। सर अखलाक से इस्लाम कहाँ पे फैला? अखलाक से इस्लाम हर जगह, अखलाक से सऊदी अरब में खुद, मदीने में खुद, हर जगह जो भी फैला इस्लाम, यानी जितने लोग जो स्टार्टिंग के दौर में इस्लाम में आए वो नबी के अखलाक से ही आए ना भाई। कितने आए थे सर? कितने आए थे उसकी कोई काउंटिंग इस अहादीस में, कुरान शरीफ में है, कहीं काउंटिंग है, नहीं है, 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 जो इखलाक से आए थे, इखलाक से आए थे उसकी तीन काउंटिंग है, एक काउंटिंग है 42, एक काउंटिंग है 76 और एक काउंटिंग है 90 something 99 96। तो इससे ज्यादा आप सबसे टॉप ले लें, 100 बंदे कह लें, 100 बंदे इखलाक से आए थे। जब नबी पाक ने हिजरत की, मदीना में आए और तलवार उनके पास आई, उनकी ताकत तलवार उनके पास आई, एक साल के बाद जब जिहाद की आयात नाजर होना शुरू हुई तो हज्जतुल विदा के ऊपर जब उन्होंने हमला किया था तो कितने सहाबियों के साथ हमला किया था मक्का पे? मक्का पे हमला किया था कितने सहाबियों के साथ? वो पता नहीं है मुझे। 10,000 सहाबियों के साथ। अच्छा, मक्का में कितने 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 एरिया से हमला किया था? नॉर्थ ईस्ट से खालिद बिन वलीद थे जहां पे एक्चुअली में लड़ाई हुई थी, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर लड़ाई नहीं हुई थी, साउथ ईस्ट में लड़ाई नहीं हुई थी। 10,000 लोगों के साथ अचानक हवा बोल दिया और उसके बाद इन्होंने, और उससे पहले भी सारी लड़ाइयां तो तलवार से, और हजरत उमर फारूक ने रजी अल्लाह अन्हो ने जितना भी इस्लाम फैलाया वो भी तलवार से फैलाया, लड़ाइयों से फैलाया। तलवार से इस्लाम फैला? मैं ये पूछना चाहूंगा, सुनो सुनो एक चीज आदम भाई प्लीज, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। तलवार से मेरा ये पता नहीं है मुझे कि तलवार से इस्लाम फैला कैसे। जी जी मैं बता देता हूँ सर। तलवार लोगों की गर्दन पर रख के बोले कि आप इस्लाम कबूल करो या फिर जो, हाँ जी जी सर मैं आपको बता देता हूँ। आपके कुरान मजीद में फरकान हमीद में बयान करते हैं अल्लाह ताला, ठीक है, मोमिनों की निशानियां, सूरह तौबा की आयत नंबर 123 अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, सबसे पहले अपने करीब के लोगों के साथ लड़ाई करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, लड़ाई करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 29 के अंदर कि इन मुशरिकों से जजिया लो और वो भी इन्हें जलील करके, फहुम जागिरून। तो हजरत उमर फारूक ने जब हमलात किए इर्द गिर्द तो लोगों को जलील करके जजियात लिए और जो नहीं दे सकता था उसकी कमर के ऊपर
हद करवाई, यानी कि 50 कोड़े या 80 कोड़े या 90 कोड़े, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या पढ़ते हैं, और जो जो नहीं दे सका था उसको कोड़े, और जो वरना इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद सही मुस्लिम की जो हदीस नंबर 28 है, जिसमें सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया, उस हदीस का मतन ये है, मतन यानी कि बॉडी ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया में लड़ाई के लिए भेजा गया हूं, जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द ना कर लें, तब तक उनकी जान और उनका माल मेरे से महफूज नहीं है जनाब जी। तो इससे जाहिर क्या हो रहा है? अभी भी आपको समझाऊं कि इससे जाहिर नहीं, क्या हो रहा है? समझ में ये आया कि इस्लाम उससे उसके जोर से फैला तलवार के। शुक्र है कि आपको समझ आ गया जी, तो उसमें दिक्कत क्या कहाँ आ रही है? अच्छा, दिक्कत कहाँ आ रही है? एक सेकंड साहिल साहब, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? पहले कह रहे थे इस्लाम जोर से नहीं फैला, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं है, मजाक उड़ाने की बात नहीं है, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं हम आपका। खालिद भाई सुनो मेरी बात, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम, आपने एक चीज कही कि अखलाक की बुनियाद पे इस्लाम जो है 80% फैला। अच्छा ठीक है, आपने मुझे उसका क्लियरेंस दिया, मैंने बोला ठीक है चलो आपकी बात को एक टाइम के लिए अगर मैं एक्सेप्ट भी करता हूं, तो उसे दिक्कत क्या आ रही है वो मुझे एक बार बोलिए ना। दिक्कत ये है कि आप जो है, जो एक पर्सनल बिलीफ सिस्टम होता है किसी खुदा को मानना या रिलीजन को मानना, आप फोर्सफुली तलवार की नोक पे जबरदस्ती डरा के अगर कबूल करवाते हो तो ये सही है? नहीं, ठीक तो नहीं है ये। तो फिर ये हदीस में या हिस्ट्री के किताबों में कहीं है कि सहाबा वैसा करके लोगों को इस्लाम की तरफ लाए? सर सब जगह यही है, यही तो आपको बताया है आपको सहाबा ने उस पे अमल करके। हाँ जी सर, उमर फारूक को बुरा कहेंगे? नहीं। थैंक यू। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहेंगे? कभी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को बुरा कहेंगे? नहीं। उन सब ने ये किया। अच्छा, आपको अभी तो बताया, आपको अभी तो बताया जी, अभी जी, तो जी। मैंने कुरान की आयात भी दी है तफसीर के साथ, फिर मैंने आपको हदीसें दी हैं, फिर मैंने आपको सारा कुछ अभी बताया। कौन सी चीज में हदीस मुझे के पीछे, आयत के पीछे कुछ मसलियत रहती है, वो मसलियत का आपको कुछ जी सर तफसीर के साथ, सर आप हुक्म करें कौन सी तफसीर खोलूं, जोन जोन सी आयात मैंने बताई है उसमें, बल्कि सूरह तौबा की आयत नंबर 49 के अंदर तो अल्लाह ताला जो उसकी तफसीर है उसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ मेरे साथ रोम पे हमला करो, रोम वो दूर 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 रोम, आओ मेरे साथ रोम पे हमला करो, वहां पे जो हबशा की कालक है और रोम की सफेदी है उनके जुड़ने से लाल रंग की औरतें आ गई हैं जिनके ब्लॉन्ड बाल हैं, आओ तुम्हें मैं ब्लोंडियां दिलवाता हूँ। ये तफसीर है, ये आपने कहा ना उसके पीछे कोई मसलहत होती है आयत के पीछे, ये मसलहत मैंने आपको बता दी। जी जी जी। तो अच्छा, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लोंडियों की गुलामी आपको दिलवाने के लिए बोला कि आओ मेरे साथ तुम्हें ब्लोंडियां दिलवाऊं? जी। अब अच्छा, मसला ये है कि खालिद भाई, मैं हाँ मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ समझाने के लिए, और उसके बाद बहुत सारे मोमिन भाई जुड़े। नहीं, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ एक सेकंड, कि ये आप ये जो आपका चल रहा है ये यूट्यूब पे और ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा ट्रेंडिंग में, इसका पर्पस क्या है एक बार मुझे बोल दीजिए ना, जो है क्लियरली बोल दो मुझे क्लियरली। हम इस्लाम को बेइज्जत करना चाह रहे हैं, इस्लाम को गाली देना चाह रहे हैं, या नबी को गलत शख्सियत बताना चाह रहे हैं, या फिर इस्लाम की तालीमात को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इस्लाम गलत है, ऐसा ऐसा कुछ आपका इरादा है क्या? बोलिए बस। हाँ, मकसद ये है कि मुझे मुसलमानों से बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, कौम है, ये इस्लाम को ज़्यादा सीरियस लेने के वजह से बहुत पीछे है और दुनिया में हमारा नाम खराब है इस्लाम की वजह से। मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर कुछ बोलूं? हाँ बोलना, मैं पहले बात तो अपनी कंप्लीट कर लूं। ठीक है कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि
ये एक्टिविज्म के थ्रू हम लोगों को वो जो अदर साइड ऑफ इस्लाम है, जो हमें मौलवी बताते, जो असल इस्लाम है, जो आईसिस और इस तरीके के लोग फॉलो करते हैं, वो हम पेश करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर मुसलमान खुद फैसला कर ले कि क्या इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर क्योंकि अगर हमें तरक्की करना है बाकी कम्युनिटी की तरह एडुकेशन में और काम में और साइंस में, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस्लाम को थोड़ा लाइट लेना पड़ेगा, सीरियसली उसको नहीं लेना है। तो यही मकसद है कि ये चीज़ें बताएं ताकि आपके सामने हकीकत आए। अगर हम कोई भी चीज़ अपने मन से बता रहे हैं बिना रेफरेंसेस के, तो आप हमें आके जो है पकड़िए, लेकिन हम जो भी बातें बताते हैं दलील स्क्रीन पर दिखा के, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, हिस्ट्री की किताब से, सब चीज स्क्रीन पर रख के फिर हम बोलते हैं कि ये चीज में हमको प्रॉब्लम नजर आया है। ओके, राइट। अब मैं आपको साहिल भाई एक चीज मैं बोलूं, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मुसलमानों को जलील करना या मुसलमानों से लोग जो है वो नफरत करने लगे, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे बैठ के साफ साफ कहते हैं कि मुसलमान जो है, मैंने ये स्टेटमेंट जो है न्यूज चैनल पे भी दिया था कि पहले मैं ये समझता था कि मुसलमान खराब है, इस्लाम अच्छा है, लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब मुझे समझ में आया, तब अब मेरी थिंकिंग ये है कि मुसलमान तो बहुत अच्छा है, इस्लाम में प्रॉब्लम है। तो मुझे मुसलमानों से मोहब्बत है, प्यार है, और मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी जो है वो आसमान की बुलंदियों को छुए। जी जनाब, मेरा बोलने का मकसद ये था कि जो मुसलमान है ना, एक्चुअल अगर अब मुसलमान हदीस कलमा और शरीयत के हिसाब से अगर जाएगा, तो मुसलमान के लिए कहीं भी ये चीज नहीं है कि तुम दुनिया में आगे बढ़ो, दुनिया में बहुत ज्यादा क्या टॉप लेवल पे पहुंच जाओ, आप दुनिया को कमा लो और क्या बोलते सो अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस कायम कर लो, ऐसा इस्लाम में कहीं भी नहीं। इस्लाम में दुनिया की हैसियत इस्लाम के नजदीक, दुनिया की हैसियत इस्लाम के नजदीक एक मक्खी के पर के बराबर है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। जब क्यों ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि हमारे लिए दुनिया एक क्या बोलते सो पैसा मकान बनाने का मकाम या फिर कोई बहुत बड़े ओहदे पे जाने का मकाम नहीं है। एक सेकंड में आपको बोल देता हूँ मुसलमानों की मैं एक्चुअल मेंटालिटी कैसी रहना चाहिए वो बता रहा हूँ, ठीक है। मुसलमान की मेंटालिटी ऐसी होना चाहिए कि मैं दुनिया में आया हूँ इम्तिहान देने के लिए, ठीक है। कोई एग्जामिनेशन हॉल में जाता तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई सेंटर में देख लेते, ये सेंटर में फला कमी है, अच्छा खिड़की टूटी हुई है मैं खिड़की को बनाऊंगा, फैन ठीक से काम नहीं कर रहा मैं फैन ठीक करूंगा, मेरे कपड़े सही नहीं है मैं कपड़े सही पहनूंगा, मेरी बेंच तड़खी हुई है बेंच सही करूंगा, ये नहीं है। एग्जाम हॉल में बंदा जाता है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से दुनिया में मुसलमान आया और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, आप लोग को मालूम होगा सर। ये साहिल ये तो क्लियर कर, ये तो आपकी बात को सदाकत देंगे ना ये। हाँ, जो मैं कह रहा था आपने खुद वो बोल दिया कि जो मेंटालिटी आपको मिल रही है, जो हमारे मुसलमान, हमारी जो मुस्लिम कौम है वो नीचे इसलिए है क्योंकि उसकी सोच ऐसी है कि ये कैद खाना है यहाँ पे, हमें ठीक है हाँ ठीक है मरना है, यही मरना है, यही जीना है यहाँ पे। अगर यहाँ पर अगर हम लोग को झोपड़ी में रह के अगर दो वक्त की रोटी भी अगर मिले तो मिले, नबी की सीरत आप पढ़े हुए, मैंने मौका दिया ना आपने बोल दिया सेम चीज रिपीट, ठीक है ठीक है। मुझे बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिला, आप पूरा स्टार्टिंग से पूरा बोले उसके बाद फिर बता दिया ना कैद खाना है, काम भर के काम अपना होना चाहिए, दो वक्त की रोटी मिलना चाहिए और बाकी चीज इबादत में गुजार देना है। अगर वो नहीं भी मिली अगर अल्लाह हमको अगर ऐसे ही रख रहा है भूखा प्यासा भी रख रहा है अगर हमको, तो इससे हमको कुछ ज्यादा लेन देन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फाइनल मकाम नहीं है। अरे वही मैं भी कह रहा हूँ जनाब, मैं जो बोल रहा था वो आपने कंफर्म कर दिया। अगर आप जैसी लोगों की सोच रही मुसलमानों की, तो वो ना एडुकेशन का सोचेगा ना आगे बढ़ने का सोचेगा, वो सोचेगा आगे बढ़ के क्या करेगा। आगे बढ़ के एक बात बोलिए आप साहिल भाई, आगे बढ़ के उसको खबर में ही जाना है ना। आगे बढ़ के उसको जाना कहाँ है। अरे कब्र में ही जाना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ आज। आदम भाई आपके एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको हंसी आई तो थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना। कब्र में जाना है तो जीरे की उनको ऐसा लग रहा आप हंसी उड़ा रहे हैं जैसा दिख रहा है। एक मिनट खालिद भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर आपकी तरह हर किसी की, हर इंसान की सोच हो गई
तो ना मोबाइल आता, ना एरोप्लेन आती, ना गाड़ी आती, ना लाइट आती, कुछ भी नहीं आता। अगर हर कोई यही सोच लेता कि दो वक्त क्यों 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 नहीं आता, बोलो उसके बाद मरना ही है, क्या कह क्यों नहीं आता ये बोलो आप मेरे को एक बार। तुम्हारे जैसी सोच थी तो कहां से आता भाई? नहीं नहीं नहीं, सोच सोच रही क्या मेरे जैसी सोच हर किसी की? तो यानी जो ये इन्वेंट हुआ दुनिया में, ये सब मुसलमानों की वजह से कुछ भी नहीं हुआ? कहां से होगा जब तुम्हारी जैसी सोच रहेगी? मुसलमान तो यही क्या बोला मैं बोला क्या एक बार बोला मैं बोला ये कि दुनिया में कोई आला हो जाए, अगर अल्लाह ताला आपसे कुछ काम कराना चाह रहा, अगर कुछ आपसे तरक्की होना चाह रही, वो वक्त के साथ हो जाएंगी। नबी ने कोट करा था बहुत साल पहले की दुनिया में सुनो प्लेन भी आएंगे दुनिया में, आएंगे। तुम्हारी सोच वाले लोग कभी प्लेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सोचोगे तो? अरे जब तुम्हारी सोच ये है कि दुनिया जो है बेंच क्यों सही करना, और वो तुम्हारा जो उसको क्यों सही करना, कब्र में जाना है, तो तुम जैसे लोग कहां से बनाएंगे भाई? क्यों नहीं बना सकते? तुम्हारी सोच ही नहीं है तुम्हारे लिए। अगर अगर अच्छा वैसा बोले तो कोई मुसलमान, अगर जो तरक्की याफ्ता कोई मुल्क है वहां पे जो मुसलमान है, तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे? नबी उनके दौर में कोई भी चीज ऐसी है नहीं है जो नबी इन्वेंट नहीं करे। अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई है। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आप नबी की सुन्नतों पे चलोगे तो आप क्या करोगे पता है? ये देखो, सुनन इब्ने माजा की हदीस है जो एडम ने भी बताया था कि रसूलुल्लाह कहते हैं आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट द पीपल, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ लड़ाई करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, और जब ये कहेंगे तो उनके जान अच्छा, माल जो है भाई भाई इसके साथ ये हदीस भी बोलो ना, मुझे कहा है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करूं और मेरी बीवियों के साथ अच्छा रहूं, ये वाले पॉइंट्स को क्यों छोड़ देते हैं? कुछ कुछ अगर कुछ रह रहा हजरत कहाँ कहाँ का है क्या के लोगों के साथ अच्छा सलूक करो? वहाँ पे ईमान वालों के साथ है, वो लोगों के साथ नहीं है, हर किसी के साथ नहीं है, ठीक है? वो तो ईमान वालों के साथ है, और आप मुसलमानों के साथ है। अगर कुरान को देख लें आप, सूरह तौबा की आयत नंबर 73 खोली है कभी आपने? देखिए भाई, आप पुट्टी सीधी लोग मौलवियों से जब बातें सुन के आते हैं और आपको पता नहीं होता तो उसमें आप ऐसी बात कर देते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 73 खोले, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर जरा देखिएगा। ए नबी, जिहाद कीजिए कुफार और मुनाफिकीन से। उसके अंदर तो वो वाले मोमिन भी आ गए जो के मुंह से कलमा पढ़ते हैं और जहाद पे नहीं जाते, और इनसे सख्ती कीजिए, इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरी जगह है। हजरत आप यही आपको समझा रहे हैं सर, आप जो अपने ओके बेटे कह रहे हैं ऐसा ही रवैया अपनाना है सर, उन्हें कह दिया गैर रवैया अपनाया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, बिल्कुल हदीस है भाई, हर कुफार के साथ नबी ऐसी पेश आते थे। अरे खालिद भाई रुक जाओ, ये आपके सामने हदीस है, क्या कहती है अच्छे से सुनो। ये देखो पूरी पढ़ देते अभी आपके लिए। हम नबी अकरम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाकिया सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया जी हाँ। आपने फरमाया तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। यार बंदा आ रहा है वो नॉन मुस्लिम है, रसूलुल्लाह मारने का हुक्म दे रहे, जब पता चला कि नहीं ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तब उसको छोड़ा गया। और इसके अलावा जो एक मिनट, रसूलुल्लाह का जो मकसद है जिंदगी का वो देखो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1930 क्या कहते हैं कि मुझे बुतों को तोड़ने के लिए भेजा गया। अगर आप रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करोगे या उनको रोल मॉडल मानोगे तो आप भी जाके मूर्तियां तोड़ोगे, मंदिरें तोड़ोगे, अपना चर्चेस तोड़ोगे रसूलुल्लाह को फॉलो करके, क्योंकि उनका तो मकसद ही वो था बुतों को तोड़ना। हाँ ये देखिए सामने हदीस है सही मुस्लिम। कब तोड़े नबी के सुन्नत? ये देखो भाई, ये लो मैं बताता हूँ। अच्छा एक सेकंड साहिल भाई रुक जाए जरा, कब कब तोड़े के क्या मतलब है? ये हदीस गलत है क्या? नहीं ये हदीस गलत है क्या? वो अपनी ही बात को अमल नहीं करते, ये सही हदीस है कि ज़ईफ हदीस है? हम वो भी दिखा देंगे कब तक तोड़े, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं।
आप हर बात से एग्री भी कर रहे हैं और फिर आप हर बात पे नफी भी कर रहे हैं और फिर कहते हैं हाँ आया इसीलिए था, तो मेरे प्यारे भाई आपको तो अंब का नहीं पता, सॉरी टू से, क्या नहीं पता? अंब का भी नहीं पता ना, अंब का पता कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अच्छा इसके अलावा मैं और एक खालिद भाई के लिए हमारे अच्छा, एक और एक भाई आपको आपको एक बात बोलूं, एक सेकंड, आप पब्लिसिटी इतने लोग हैं ना लाइफ पे, थोड़ा एक सबसे रिक्वेस्ट कीजिए क्या, चलो अगर उन लोगों का जहन ये है कि इस्लाम गलत मजहब है, अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में उनका जो भी ख्याल है, बस उनको ये बोलिए कि किसी के दूसरे के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने के लिए ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं जो अभी पढ़ रहा था कमेंट्स, वो अच्छा, कमेंट्स मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब उनके फॉलोअर्स हमें मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, लेकिन आपके सेंटीमेंट्स हर्ट ना हो, आप ये कह रहे हैं? अच्छा मोहम्मद साहब मार सकते, अभी आपको क्या दिखाइए? अच्छा जहाँ पे इस्लामी हुकूमत चल रही है वहां पे मारेंगे गैर मुसलमानों को? नहीं मारा। हाँ फिर मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मारा, सॉरी जी साहब, नहीं मारा, नहीं मारा। ऐसा कहाँ चल रहा है ऐसा, जहाँ मुसलमान क्या बोलते हो आप जो बोले, ये मारो मस्जिदें तोड़ो, मस्जिदें सॉरी चर्चेस छोड़ो, मंदिरें तोड़ो, ऐसा कहाँ अमली तौर पे ऐसा कहाँ चल रहा है अभी? अफगानिस्तान में क्या चालू है भाई? जैन मंदिर किसने तोड़ा था? हाँ अफगानिस्तान को छोड़े, पाकिस्तान में जैन मंदिर किसने तोड़ा था और क्यों तोड़ा था? मुस्लिम्स ने तोड़ा, मुस्लिम ने तोड़ा था, क्यों तोड़ा था? उन्होंने ये नहीं समझा कि ये नबी का हुक्म है, ये समझ के नहीं तोड़ा। और किसका हुक्म है? एक्सक्यूज मी, अपने अंदर की हेट से अगर वो तोड़े तो वो अलग बात है, ठीक है? और भाई आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, मोहम्मद साहब किस लिए भेजे गए थे? एक सेकंड, ये स्क्रीन पे भी क्या दिखा रहे थे साहिल भाई? साहिल भाई दोबारा पढ़ दे जरा पहली लाइन इस हदीस की। हाँ मैं पढ़ देता हूँ, ये लो, ये देखो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1930, रसूलुल्लाह कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। एक सेकंड, एक सेकंड, फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, तो बुतों को तोड़ के क्या करेंगे? बुत, ये जो जैन मंदिर है किसने तोड़ा? मक्के में जो बुत थे नबी के सल्लम के आने से पहले किसने उसने तोड़ा? उसको तोड़ा नबी, और अल्लाह ने हुक्म भी उसी बुतों को तोड़ने का दिया, ठीक है? जो बुत मौजूद है, जो मौजूद है, क्योंकि बताओ मैं एक सेकंड बताओ, दुल खुलासा दिखाएं मंदिर, ये दुल खुलासा दिखाएं इनको, एक सेकंड पढ़े जी। हाँ पढ़े जी, ये देखो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए खालिद भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्के के बुतों को तोड़ा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सही बुखारी हदीस नंबर 3823 क्या लिखते हैं, जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, जमाना जाहिलियत में दुल खलसा नामी एक बुतखुदा था, इसे अल काबतुल यमीनिया या काबतुल शामिया भी कहते थे, नबी करीम ने मुझसे फरमाया, दुल खलसा के वजूद में, वजूद से मैं जिस अजियत में मुबतला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो? इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला, इन्होंने बयान किया और हमने बुतखुदे को ढहा दिया और इसमें जो थे इनको कत्ल कर दिया, फिर हम नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने खबर दी तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई। जी जी भाई, बुतों को तोड़ने की बात है इसमें। अरे पूरा मंदिर ही तोड़ दिया, कोई तोड़वा दिया और वहां के लोगों को भी मार दिया, जला दिया। क्यों जला? डायरेक्ट जला दिया, इस्लाम की दावत मार के, लेने मार के जला दिया, मार के नहीं नहीं नहीं, पहले इस्लाम की दावत दिए या नहीं दिए? नहीं दिए ना भाई, कहां पे है इधर दावत? अच्छा पहले अच्छा साहिल भाई इस्लाम की दावत भी ले ले, नहीं करते एक्सेप्ट इस्लाम? हाँ इस्लाम की दावत ही हम नहीं कबूल करते तो क्या मार दोगे? अच्छा ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज का हुक्म दिया है तो लाजिम सी बात है, अगर अल्लाह पे यकीन करने वाले हैं तो अल्लाह को पता ही होगा ना गैब के इल्म का, फ्यूचर के इल्म का, कि फला बंदे से मुस्लिम्स को तकलीफ है, ठीक है? तो वो अहादीस के जरिए अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि वो तो इससे पहले कि वो आके तुम पे वार करे कि तुम उनके ऊपर वार करके उनको खत्म करो, भाई वो इबादत कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला वहां पे जलजला लाके या फिर जैसा अजाब दूसरी कौम पे आता वैसा अजाब लाके मार देते तो बात तो वही हो रही ना, इवेंचुअली बात वही हो रही। एक मिनट, अगर किसी से प्रॉब्लम है, अगर ये तुम्हारा लॉजिक है तो उस हिसाब से चाइना में जो उगर मुसलमानों पे अगर जुल्म होता है बकौल आप लोगों के, तो वहां पे जलजला आ जाना चाहिए था। नहीं नहीं,
सीरिया वही तो बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी कोसी बात के ऊपर बोल रहा हूँ, पता है कि ये पर्टिकुलरली ये जो मंदिर की बात जो बोल रहे हैं आप, उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये दुनिया में नबी की उम्मत में अजाब नहीं आने की वजह भी यही है कि नबी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला मेरी वजह से, मेरी सुफेल से दुआ मेरी कौम के ऊपर अजाब मत लाइए, वरना अपने लोगों के हरकत से कम नहीं है कि अजाब। अरे खालिद भाई, नबी जो है मरवा दे रहे लोगों को, इबादत का तुड़वा दे रहे। अच्छा, इसके अलावा देखो और एक चीज बताता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2243 है। ये एक लास्ट बताएंगे फिर हम दूसरे को ले लेंगे एडम, ये देखो खत्म हो गया इनका साधन। हाँ, ये एक लास्ट बताएंगे फिर हम दूसरे को ले लेंगे। हाँ, इसमें देखो क्या लिखा है कि याहिया बिन याहिया अबू बकर, अच्छा ये पूरी सनद है। इसके बाद हाँ, मुझे हजरत अली ने फरमाया, क्या मैं तुझे इस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा था। किसने भेजा था? रसूलुल्लाह ने भेजा था हजरत अली को। अच्छा, क्या था वो? भेजा था कि तू किसी सूरत को मिटाए बगैर ना छोड़ और ना किसी बुलंद कब्र को बराबर किए बगैर। रसूलुल्लाह कोई भी मुजस्समे को, यानी कोई भी अगर मुजस्मा है जैसा आइडल है जो भी है, और अगर कोई कब्र ऊंची है तो रसूलुल्लाह ने तो वो भी तोड़वाने के लिए कहा है। तो अगर कोई मंदिर तोड़ता है पाकिस्तान में या किधर अफगानिस्तान में किधर, वो असल में रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं है, वो उसलिए नहीं था। क्या वो उसलिए नहीं था? वो क्या किस लोगों के लिए था पता है? वो अल्लाह ताला को भी मानते थे, बुतों को भी मानते थे और पुराने नबी जो थे उनको भी। यार ये खत्म हो गई। खालिद भाई, अच्छा सुनो, अगर वो बुतों की पूजा करते, ठीक है, बुतों की पूजा करते तो क्या बुतों से ही मांगते थे वो पूरा? तो क्या हो गया भाई, कोई अल्लाह से मांगे, बुतों से मांगे, सांप से मांगे, जानवर से मांगे, झाड़ से मांगे, वही तो बता रहा हूँ ना भाई। वहाँ के लोग के दिल में बिलीव ये था कि अल्लाह ताला है, अल्लाह के साथ ये बुद्ध भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आया कि वो बुतों को तोड़ो और उन लोगों का दिल ये इस पे लाओ कि अल्लाह है, जो भी है अल्लाह। मगर अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है और लोगों का जहन ये चल रहा है कि ये बुत है, बुत ही है सिर्फ, अल्लाह ताला तो कुछ मानते ही नहीं, अल्लाह को नहीं मानते, बुत को ही मानते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ खालिद भाई, एक बात बताओ, इस लॉजिक के हिसाब से क्या इंडिया के सभी मंदिरों के बुतों को तोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो लोग भी शिर्क कर रहे हैं। किसके? इंडिया के मंदिरों को? हाँ, इंडिया के मंदिरों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कभी नहीं तोड़ना चाहिए? कभी नहीं तोड़ना। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए, वो किसी और के मजहब का है, आप उसको फोर्सफुली आप उसकी मंदिर तोड़ के। मुसलमान थोड़ी ना थे भाई, जो बुतों की पूजा करता है वो मुसलमान रहता है क्या? नहीं रहता। तो फिर कैसा आप बोले उनकी मंदिर, उनकी जो इबादत गाह थी वो क्यों तोड़ने का है रसूलुल्लाह ने? वो नबी के लिए था, वो नबी के लिए था ना। नबी के अनुसार 12 शादियां भी करे तो हर मुसलमान को 12 शादी करने का है क्या? नहीं है ना। बात शादी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने कहा ना कि इंडिया में जो टेम्पल्स है उनको इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो दूसरे मजहब वाले। उसी तरीके से जो लोग वहां पे बुतों की पूजा कर रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, वो दूसरे मजहब वाले थे, वहां पे क्यों तुड़वाया रसूलुल्लाह ने? वहां पे वो लोग अल्लाह को मानते थे, ठीक है, मानते मानते बीच में यार अल्लाह को he is the most basic ignorant person ever in the history of ignorance. खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किए, हम दूसरे को मौका दे देते शायद आपके दिमाग में, जैसा कि आपने कहा ना कि आप खाली ये सोचिए कि थोड़े दिन की जिंदगी है और चले जाना है, बस आप उसी लायक लग रहे हैं मुझे। साहिल भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट कर लीजिए ना, बोल दीजिए एक बार। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम हो गया, बाकी लोग भी। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलने वाला नहीं हूं। एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट रखो उनको। मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखो अभी ये बंदे ने ये बात बोला कि इंडिया के मंदिरों को तोड़ना गलत है और वो जो चीज थी उसको गलत ठहराया, मतलब मंदिरों को तोड़ना उसको, और मतलब फिर उसको जस्टिफाई इस तरीके से किया कि अरे ये इलियास शराफुद्दीन स्ले ऑफ अल्लाह आना चाह रहे क्या, इनको ले लेते हैं, जगह खाली करो। नहीं, खाली करो जी, जगह खाली करो। ये ओरिजिनल वाले है क्या इलियास शराफुद्दीन? पता नहीं सर, आएंगे तो पता लगेगा ना, कोई हटाओ, जगह बनाओ इनके लिए अगर आ सकते हैं तो। जगह बनाओ, जगह बनाओ।
ये बिटर ट्रूथ जी को निकाल दो, खालिद तमीमी भाई से भी बात हो गई है, इनको भी निकाल दो, जगह बनाओ जी इलिया साहब के लिए, साहब बाज रहे हैं। इलिया साहब आ जाइए, आपका इस्तकबाल है। अरे वो तो उधर लाइव में बैठा है यार। तो यहाँ पे कौन कमेंट कर रहा है फिर? उसका दो नंबर, उसका दो नंबर। अच्छा इसमें एक चीज सोचने वाली ये बात है कि जो मैंने बताया था कि मुसलमानों की सोच इस्लाम की वजह से इतनी छोटी हो जाती है, अब देखिए जो हमारे खालिद भाई आए थे इनका लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट देखिए आप, कुछ है ही नहीं उसमें, उनको समझ भी नहीं आ रहा। और दूसरा वो कहते हैं कि भाई मतलब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आसपास में आपकी अगर बेंच टूटी है या कुछ हुआ है तो आपको उसकी क्यों फिक्र करना है, सीधा एग्जाम दो और निकल लो। अगर ऐसी सोच रही मुसलमानों की तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, तरक्की कैसे करेंगे? अगर सिर्फ यही सोच के बैठेंगे कि बस यहाँ पे दो वक्त का खाना मिल जाए, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, तस्बीह पढ़ लेंगे और उसके बाद तो मरना ही है। साहिल साहब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना इनको। देखिये मोहम्मद साहब ने जिन जिन लोगों को उड़ाया उसमें अल्लाह, ये जो शिर्क जो है, ये शिर्क की डेफिनेशन आजकल चेंज हो रही है। ये इंडिया में दो चार और लोग भी आए हैं जो शिर्क की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं कि जनाब जब तक अल्लाह को मानते हुए किसी और को नहीं मानोगे शिर्क नहीं है, दूर फटे मुंह यार, जाके शिर्क तो पढ़ो। ये लोग शिर्क की डेफिनेशन चेंज करना चाह रहे हैं साहिल, असल में और कुछ नहीं है, चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ शिर्क, और इसको इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। हाँ, राशिद जमाल साहब है, इस्तकबाल है राशिद भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी अच्छा। जी जी साहिल भाई जी जनाब, क्या कहेंगे आप? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आदम भाई को ना लिया करें। क्यों ना लिया करें? आदम भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बता देता हूँ। जहां तक मैंने पता किया है वो एक मसीही है। ओके तो? और मेरी नजर में सारा रिलीजन झूठ है। ठीक है लेकिन मेरी नजर में, मैं अपना पर्सनल व्यू बता, नहीं क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब रिलीजन ही झूठ है, अगर वो इस्लाम के बारे में तनकीद करते हैं तो उनके मजाहब में भी, उनके मजहब में भी तो उस तरह से का तनकीद भरा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर प्रॉब्लम है उनके मजहब में तो आप जी जी हिपोक्रेसी है, तो वो अपने मजहब को छोड़ नहीं रहे ना, अपने अपने मजहब के बारे में कभी बात नहीं करते। ये राशिद भाई मेरी बात सुनो, ये किसी पे जबरदस्ती नहीं है ना कि वो मजहब को छोड़ दे। हम तो मैं तो मुसलमानों को भी नहीं कहता हूँ कि आपको आपका मजहब छोड़ना ही पड़ेगा। एक इंसान नहीं, अगर एक मजहब का आदमी है उसके मजहब में खुद प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनो, जैसे आप बोलते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ राशिद भाई, एक मिनट रुक जाओ। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके अंदर ये सोच आ जाती है ना कि भाई लोग मेरे तरीके से ही माने, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक इंसान की पर्सनल चॉइस है कि वो किस रिलीजन को मानना चाहता है, किस रिलीजन को नहीं मानना चाहता। हाँ अलबत्ता आप ये कह सकते हो कि भाई आप जिस रिलीजन को मानते हो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है, आप जाके उस पर सवाल करो उनसे। आप ये कहोगे कि नहीं तुमको जो है वो इस्लाम छोड़ा है तो आप तुमको जो है एथियस्ट ही रहना, ये जितने लोगों की सोच है ना ये बहुत घटिया सोच है। अच्छा मेरी बात सुन ले, ठीक है, मेरी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी या कोई गुस्सा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस अपना व्यू रखा था कि क्योंकि आपके लोग उठाते उंगलियां उठाते हैं कि आप मतलब ये सबसे पहले अब सुन ले, मैं आदम भाई साहब की बात सुन रहा था, रुक जाए जरा। सबसे पहले तो आप झूठ बोल के आपने अपना नाम मुसलमानों में रखा ताकि आपको मुसलमान समझ के लिया जाए। आपसे पहले या तो आप या कोई और आप जैसा ही कट्टर किस्म का एथियस्ट या एग्नोस्टिक, आई डोंट नो, क्योंकि ये जो एग्नोस्टिक और एथियस्ट में भी कुछ कट्टरपन मैं देख रहा हूँ आजकल, वो मेरे चैनल पे भी इसी तरह मुसलमान बन के आया था। जब तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे और इस किस्म की डिसेप्शन नहीं करेंगे, आप अभी तक मुसलमान ही हैं, क्योंकि अल्लाह है खैरुल माकिरीन और कोई नहीं। दूसरी बात, आपको मसला है, मैंने आपको किस वक्त कहा कि एग्नोस्टिक ना रहो? कभी कहा?
मैंने आपको किस वक्त कहा है कि एथियस ना रहो? नहीं नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा है हाँ या ना, इसका जवाब दें पहले। नहीं नहीं भाई, मैंने आपने कहा है हाँ या ना? नहीं कहा भाई, नहीं कहा। अब आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं आपके तरीके पे चलूं? अच्छा सुनिए एडम भाई, नहीं, नहीं नहीं पहले इसका जवाब दें, आप होते कौन है मुझे फोर्स करने वाले कि मैं आपके तरीके पे चलूं? मैंने आपको नहीं कहा भाई। नहीं आप मुझे कह रहे हैं ना, आप मुझे कह रहे हैं ना, यही यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं और साहिल इकट्ठे बैठे हैं तो हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, हमारे पास हम ह्यूमंस हैं फर्स्ट, और हम एज ए ह्यूमन इकट्ठे बैठे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुसलमानों को भी हम बुलाते हैं, हमारे पास आते हैं, गपशप लगाते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, ठीक है। आपको अगर मुझसे कोई एक्सप्लिसिटली प्रॉब्लम है ना, मेरे चैनल पे आइएगा और वहां पे आके डिस्कशन कर लीजिएगा। अब जरा हम मुसलमानों से जिनको बुलाने के लिए बातें करते हैं, उसके साथ बात कर ले। अच्छा मेरी बात 5 मिनट मुझे दे देंगे या 2 मिनट, मैं अपनी बात क्लियर कर लूं? नहीं आपकी बात क्लियर हो चुकी हुई है, आपने आते ही नहीं, नहीं हुई है। सर आप डिसाइड कैसे कर देंगे मेरी बात क्लियर हो गई? मैं मुझे और क्या कहना है आप डिसाइड कीजिएगा। अच्छा जल्दी अपनी बात रखिए राशिद भाई, हमें मोमिनों को। साहिल भाई मैंने आदम भाई को फोर्सफुली कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको कहा कि आदम भाई को ना ले, आप मुझ पे ये मेरी रिक्वेस्ट थी। नहीं नहीं मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने फोर्स नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये है, एक बंदा एक रिलीजन को मानता है, वो दूसरे उसके रिलीजन में खुद बुराइयां भरी हुई है, वो दूसरे रिलीजन के बारे में बुराइयां करता है, ये हिपोक्रेसी हिसाब से है ना भाई। एक मिनट, ये हिपोक्रेसी है भाई, भाई ये लॉजिक से भी हिपोक्रेसी है। अरे जनाब राशिद भाई, आपके हिसाब से उसके रिलीजन में बुराई है ना, उसके हिसाब से तो नहीं है, उसके हिसाब से आपके एथियिज्म में प्रॉब्लम है, मेरे एग्नोस्टिसिज्म में प्रॉब्लम है। जी जी ये बात सही कहा आपने। दूसरी बात देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर आपने मुझे कोई बात सही कही, झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, आप झूठे नाम से आए हैं, अपने आप को मुसलमान बना के हैं, झूठ से ही आपने आगाज लिया है, तो झूठ आप बोल के आए हैं? आपने आप झूठ बोल के आए हैं, आप माने आप झूठ बोल के आए हैं, आप झूठे नाम के साथ आए हैं, मुसलमान अपने आप को शो करके आए हैं। सुनिए सुनिए, मेरा ये पैदाइशी नाम है। साहिल वी आर वेस्टिंग टाइम यार। सुनिए 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 सर सर सर, राशिद भाई हो सकता है एक एक्स मुस्लिम है। राशिद भाई आपकी बात आ रही है, आपने अपना सजेशन दे दिया, हमने क्लेरिफिकेशन दे दिया, अपना जवाब दे दिया है कि हमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा आदम भाई मैं आपके चैनल पे आऊंगा डिबेट करने के लिए, आ जाएगा। हाँ ऐसा करिए कि आप, आपका चैनल का नाम क्या? दीने मुर्तद। यार अगर आपको मेरे चैनल का ही नहीं पता तो फिर तो रह गई ना दीने मुर्तद, कंफर्म करना चाहता हूं। मेरे चैनल का ही नहीं पता? अरे भाई मैंने आपको साहिल भाई के चैनल पे देखा है, आदम सिकर उर्दू, यस, और दीने मुर्तद आपका नहीं है? नहीं हमारा नहीं है। ठीक है चलिए, बहुत शुक्रिया साहब, चलिए ठीक।